हेलो गाइस, तो आज हम एक बार फिर साथ हुए हैं हमारे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम एक रेगिस्तान में आ गए हैं हमारे गांव से लमसम 2 किलोमीटर दूर, और यहां पर चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ये आप देख सकते हैं। और आज हम यहां पर 12 घंटे यहां पर रहने वाले हैं, 12 घंटे का हम यहां पर रहेंगे, 12 घंटे में इधर हम खाना खाएंगे, इधर सोएंगे। और अभी जो टाइम है जो कि 7:03 हुआ है, और शाम के 7 बजे तक हम इसी रेगिस्तान में रहने वाले हैं। और हम देखते हैं हमें क्या क्या समस्या होती है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, और आपको पता ही होगा कि जून का महीना चल रहा है तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम ये चैलेंज पूरा करेंगे और आपको हमारे यहाँ का जो रेगिस्तान है राजस्थान का वो पूरा भ्रमण करवाएंगे, देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। उसमें आ गए और यहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और आज हम यहाँ पर 12 घंटा रहने वाले हैं, यानी कि देखेंगे क्या क्या हमारे साथ समस्याएं आती है, क्या कुछ परेशानियाँ होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमें हमारे गाँव से जो कि लमसम 2-2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर हमें जोहड़ यानी कि तलाई है वो दिखाई दी है। तो चलो अभी मैं आपको वो तलाई दिखा देता हूँ, चलते हैं उस तलाई के पास। तो ये दोस्तों ये रही हमारे गांव का जोड़ तलाई है, जो कि आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये तलाई, इसके अंदर पानी नहीं है अभी क्योंकि जून का महीना चल रहा है और राजस्थान में अभी बरसात नहीं हुई है। बरसात नहीं होने के कारण ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी तलाई है और वहां पर सीढ़ियां लगी हुई है। और इसके अंदर है जो कि हमारी आवाज है वो गूंज रही है, यानी कि आवाज है वो वापिस आ रही है, यहाँ सुन सकते हैं। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा टीला है वो आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसी टीले पर अभी हम चलते हैं और उस टीले पर चढ़ते हैं और देखते हैं वहां से ये जो रेगिस्तान है उसका कैसा नजारा हमको देखने को मिलता है। आपको बंदा दिखाई दे रहा है वो वहां से भागकर आएगा और कूदेगा, और यहाँ पर देखते हैं ये कितनी दूर तक कूद। हमने इस बैग के अंदर हमारे पास कुछ खाने के लिए है और हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है, यानी कि हमारे पास पानी बहुत सारा है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी 10 बज चुके हैं, यानी कि हमें आने के बाद लमसम 3 घंटे हो गए हैं इस रेगिस्तान में, और शाम के 7 बजे तक हम यहीं पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो कि आप देख सकते हैं ये फोग है, इसको हम खा भी सकते हैं। देख इस प्रकार हमें खा सकते हैं, ये खट्टे खट्टे होते हैं, स्वादिष्ट है। तो आपको ये कभी खा के ट्राई करना, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इमली का जैसा होता है, बहुत खट्टा है।
रेगिस्तान में हमें समस्या क्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर शेर, हाथी, सांप ये सब कुछ तो रहते नहीं है। ओनली फॉर यहाँ पर रहते हैं नीलगाय, हिरण, लोमड़ी, उनसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये जहरीले जीव होते हैं उनसे हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जैसे कि सांप है, कोई जैसे बांडी है, बिच्छू है, उनसे हमें सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों जो अभी का टाइम है वो 11:30 हो गया, जरा इसको दिखाना दोस्तों, ये देख सकते हैं 11:30 टाइम हो गया। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो कि खाना खुना खा लिया है और अभी का जो टाइम है वो 1:00 है, ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे में आ रहा होगा, 1:00 हैं। और अभी हम यहाँ पर है जो कि धूप निकल गई है, तो हम क्या करते हैं किसी छिया यानी कि कोई खेजरी वगैरह के हेटे यानी कि नीचे जाके लेटते हैं। दोस्तों ये रही खेजरी, और खेजरी की यहाँ पर छाया है, तो हमें फिरते फिरते बहुत देर होगी, तो अभी हम कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं, यहाँ पर नींद वगैरह तो नहीं आएगी, फिर भी हम कुछ देर के लिए सोते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सूर्यास्त, यानी कि सूर्यास्त होते समय यहाँ का जो राजस्थान का सूर्यास्त है वो रेतीली जगह में कैसा लगता है, किस प्रकार से सूर्यास्त होता, कितना सुंदर दिखाई देता है। और जो यहाँ की रेत है वो पूरी तरह से लाल लाल दिखाई देने लगती है, इस रेत का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि रंग है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जो अभी का समय है वो 4:30 हो गया, हमने 1:00 के बाद में हम वहाँ पर यहाँ पर आके सो गए थे, हमें नींद तो नहीं आई, फिर भी हम बैठे हुए थे, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और धूप तेज थी, इसलिए हम कहीं पर फिर भी नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते। तो अभी 4:30 का समय हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे वो फोन था जो कि हमारा स्विच ऑफ हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं और चलते हैं वहाँ तक, आपको दिखाएंगे चारों तरफ से दिखाएंगे आगे का जो रेगिस्तान है वो किस प्रकार से है, अभी आपको पूरा दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो सूर्यास्त होता है उस समय यहाँ की जो रेत है वो लाल कलर में परिवर्तन हो जाती है, तो अभी कुछ देर में सूर्य अस्त होने वाला है। अभी लम करीबन 6:30 हो गए, आप ये देख पा रहे होंगे 6:30 हो गए, और ये 7:00 जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये सूरज। हेलो दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं उस तरफ। देख सकते हैं कि अभी यह सूर्यास्त होने वाला है, पर क्या करें हमारा चैलेंज है जो कि अभी पूरा हो गया है, यानी कि 7:05 आ चुके हैं, पर अभी भी जो आप देख सकते हैं ये जो रेत है उसका कलर चेंज हो गया है। ये कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, पर अगर आप अपनी आंखों से ये देखें तो इसका नॉर्मल कलर है जो कि चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा चैलेंज है वो पूरा हो गया है, हमने सुबह 7:00 इस चैलेंज को स्टार्ट किया था, और अभी है जो कि 7:15 आ चुके हैं, तो ये चैलेंज तो हमारा पूरा हो गया। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना क्या आपको इस रेगिस्तान में रात पर यहाँ पर हमें रुकना है, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।